शुक्र अल्लाह का कपड़े धुल गए। तुमने धोए लेकिन मैंने अनाया को संभाला हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुखों से, परेशानियों से हमेशा दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं हूँ साजिद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साजिद अली फैमिली व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग का करते हैं आगाज। मैं और बच्चे अभी अभी घर पहुंचे जी, मैं ऑफिस से आया हूं, बच्चों को स्कूल से लेते हुए आकर नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़कर हम लोगों ने खाना मांगा है, बेगम साहिबा ने खाना देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जी कहा है कि जी आज खाना बनाया ही नहीं मैंने। बच्चे भी स्कूल से आए हैं, मैं भी ऑफिस से आया हूँ, तो लगी हुई है भूख बहुत शदीद किस्म की, लेकिन खाना आज मेरी बेगम साहिबा ने नहीं बनाया। बेगम साहिबा का जी कहना है कि अनाया ने आज बहुत तंग करके रखा है, इसीलिए खाना नहीं बन सका। चलिए बेगम साहिबा से हाल वाल करते हैं कि खाना क्यों नहीं बनाया, अब हम खाएं क्या, अब भूखे तो रहने से रहे। बेगम साहिबा अरे सलाम दो कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? अभी आप क्या कर रही हैं? जल्दी लेगी बच्चों को चलो कुछ खाने के लिए। नहीं आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? और बैठी थी पूछना क्या खाना बनाने दिया, आज से रोने डाली हुई थी, काम नहीं करने दे रही थी कुछ भी। मैं उठती थी यहाँ से जा रहे। आपको पता नहीं था बच्चों ने स्कूल से आना है? मुझे पता था। भूखे बेचारे होंगे, शोर नामदार गए हुए ऑफिस। मैं परेशानी भी थी, टेंशन में थी, यार अल्लाह क्या करूं मैं। फिर मैंने कहा डबल रोटी पड़ी हुई है, इसे मुझे नमाज नहीं पढ़ने दी, नमाज भी नहीं पढ़ने दी। अच्छा तो अभी बच्चों को अंडा बना के दिया, डबल रोटी दी जी? अभी बच्चों को अंडा और डबल रोटी बना दिए, वो खाएंगे। रहे ये रोटी थी बोला यही गर्म कर देती हूँ। जी ये है मेरी बेगम साहब का चिकन निकाल के रखी हुई है, अभी रोटी गर्म हो रही है। हटना देखा हूँ रोटी गर्म हो रही है, तंदूर की रोटी कल की थी। ना सो रही थी ना सो भी रही ना, और एक तरफ चाय रखी हुई है। अब बच्चों के लिए चाय रखी हुई, चिकन निकाल के रखी हुई है। हाँ चिकन सुबह से निकाल के रखी है, मैं जैसे आती थी मुझे ये सो जाएगी, सो के फिर मैं साथ ही जल्दी बना लूंगी। ना ये सोई ही आज, इसलिए मसला क्या था आज इसके साथ? जी मेरी बेटी ने आज मेरी बेगम साहब को कोई काम नहीं करने दिया, अब हम भूखे हैं बेचारे, भूखे बने। मेरे दिल कुछ हो रहा था, मैं कहता बस अब खुद तो मैंने भी सुबह सुबह चाय ही पी थी। अरे मम्मा ने खाना नहीं बनाया? बहुत ही अच्छा किया, हमें डबल रोटी खानी पड़ी है। डबल रोटी? रोटी अच्छी है या डबल रोटी? डबल रोटी। ये तो सुबह को नाश्ते में खाते हैं। आपसे तो अस्सलाम किए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद से कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको देखो से बड़ी खाली से हमेशा दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। देखा आप आकर डायलॉग बोल दिया, मैं आपसे सलाम करना भूल गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आंख को क्या हो गया? कुछ चला गया। क्या चला गया? मिर्ची, काली मिर्च। काली मिर्चे? हाँ काली मिर्चे ज्यादा डालते रहते हो, वही चला भी हो गया। पानी डालो जो जी। अभी हम नहीं, अभी मेरे बच्चे ब्रेड और
फ्राई अंडा खा रहे हैं। मैंने खत्म भी करी। जाहिर है गुजारा तो करना है, क्या करें। अच्छा जी, इनको तो बहुत मजा आ रहा है। मेरी बेगम ने खाना नहीं बनाया, इनको मजा आ रहा है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुझे तो भूख लगी है। अगले महीने बना लेंगे। क्या? सालन। अगले महीने तो भूख करे। हाँ जी। निकल गया। तो काली मिर्चे क्या आंखों में डाल रहे थे आप? नहीं, मुंह में डाल रहे थे। चोर चला गया होगा। काली मिर्चे मुंह में डाल रहे थे? नहीं, अंडा खा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अंडा खाते खाते मिर्ची आंखों में चली गई। जी मैं भी रोटी ले आऊं अपनी, ताकि कुछ खा लगे, पेट में चूहे दौड़े। ये तंदूर की रोटी कल की थी, उसको हमने घी लगा दिया है। हमने नहीं, यानी कि मेरी बेगम ने घी लगा दिया है। अब अच्छी अच्छी बन गई है, घी लगा के बहुत मज़ा करती है। मेरी बेगम साहिबा ने कल मूली के पराठे बनाए थे, रात को मूली के पराठे बनाए थे, अपने लिए ही बनाए थे क्योंकि बच्चे नहीं खाते। मैंने थोड़ा लिया था, इनके एक मैंने खाया होगा, बेगम साहिबा ने खाए थे, ये दो बच गए थे। बेगम साहिबा अपने लिए मूली के पराठे अब लेके आई हैं, वो खाएंगी। बेगम ने अपने लिए मूली के पराठे रिजर्व रखे हुए थे, इसीलिए हमारे लिए खाना नहीं बनाया। मुझे अगर याद होती मैं पहले आपको ना खा लेती हूँ, इतनी मुझे भूख लगी हुई थी। हाँ, मम्मा के ऊपर इल्जाम लगा कर आप। ओए हाय 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 हाय, सर्द के आज ऐसे कह रहे हैं। खुद ही आप कहते जी मेरी बेटी को बुलाया ना कर। आइए तो मैंने कहा है बुलाया नहीं कर, लेकिन खाना तो बनाया कर। खाना कैसे बनाते हैं बताएं? बाजू से उठाया जाता है अनाया को, बाजू मेरी ऐसी है, बाजू तंग करती रहती है, अनाया तंग करती रहती है। भी शुक्र है कि खाने के लिए था, खाने को मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई और होता ना, अगर ना कुछ होता तो कुछ ना कुछ तो फिर करती ना। अगर कोई और होता ना, कुछ करते नहीं देना था। अच्छा, कोई और मतलब? कुछ नसीब है आप। नहीं, कोई और मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाहर से खाना मंगवाते फिर आप? अच्छा, यानी कि अगर कोई और औरत होती। मैं शुक्र करती हूँ मेरी मम्मी इतनी अच्छी। 3 बज गए, बच्चों के ट्यूटर भी आने वाले हैं। ट्यूटर आ जाएंगे, जल्दी खा लो, ट्यूटर आने वाले हैं। चाय डाल के देख पे जी, हम खाते हैं दोपहर का खाना। आप से इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। कल वीडियो स्टार्ट की थी हम लोगों ने, बाद में हम कंटिन्यू नहीं कर सके। मैं लैपटॉप के साथ ही खेलता रहा। दोपहर को तो हमने गुजारा कर लिया, और शाम को मेरी बेगम ने चिकन कोरमा बना लिया था। बैठ जाओ बेटे। तो चिकन कोरमा रात को हम लोगों ने खाया, बहुत मज़ेदार बनाया हुआ था। आज ही है नेक्स्ट डे, फ्राइडे है आज, जुमा पढ़ के आ गए, खाना वाना खा लिया है। अभी शाम का टाइम है और मेरी बेगम साहिबा ने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हैं। मेरी बेगम साहिबा का मौक़िफ़ है कि जी कल छुट्टी है, क्योंकि कल मुमना और हमदान को छुट्टी दे दी है स्कूल वालों ने, पता नहीं क्यों दी है। कल पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो इस वजह से छुट्टी दे दी। हाँ, कल उनकी दिवाली भी है। तो दिवाली से हमारा क्या काम है? मैंने इनसे सलाम नहीं किया, मुझे सलाम करने नहीं दे रहे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुखों से परेशानी से हमेशा दूर रखे, आमीन सुमावे। से कल आपने सलाम कर लिया था, ये कल वाली वीडियो। अच्छा, कुछ नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट डे है ना। अच्छा, नेक्स्ट डे है।
मेरी बेगम साहिबा का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया है। अभी मेरी छोटी बेटी को नहला के मेरी बेगम लेके आई हैं, और हम लोग पहले ही नहा लिए थे। ये लोग लेट ना आए, हम लोग जुमे से पहले नहा लिए, ये जुमे के बाद नहाए। आज क्वेटा का मौसम भी बहुत मज़ेदार है, बहुत ही खुशगवार मौसम हुआ हुआ है, क्योंकि बादल आए हुए हैं और क्वेटा में अब जो है बारिशों का सिलसिला रुक चुका है। बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए जब बादल आते हैं तो हमें दिली तौर पे इतनी खुशी होती है कि हम बता नहीं सकते। और अगर बारिश हो जाए, अगर अल्लाह का हुक्म हो बारिश हो जाए, ओए फिर तो हमें मज़ा ही आ जाता है। खैर अभी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन कम से कम बादल हैं। अब आप लोग जहाँ रहते होंगे, हो सकता है कि आप लोगों को बादल देख के इतनी ज़्यादा खुशी ना होती हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ। आज ही क्वेटा में हमारे बादल आए हुए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए चलते हैं बाहर। अच्छा लग रहा है, आज बादल हैं, धूप नहीं निकली और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज तो दिल खुश हो गया। बादल हालांकि अब कम हो गए, लेकिन बहरहाल फिर भी हैं। ये जी बादल इस तरफ से तो तकरीबन हट गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी हल्के हल्के बादल हैं। ये जी यहाँ अभी तो अभी हल्के हल्के भी बादल हैं यहाँ। और कबूतर भी उड़ रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे, ये सारे कबूतर है जी। लोग यहाँ कबूतर बड़े शौक से उड़ाते हैं। ऐसे अच्छा लगता तो नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है भाई जानवरों को इस तरह, परिंदों को इस तरह कैद करके और उनके जी बाद में मज़े लिए जाए। खैर जी, हर किसी का अपना अपना शौक है। तो जी ये है हमारा आज क्वेटा का मौसम, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए कि भाई हमें तो बड़ी खुशी हो रही है। और यहाँ ये कच्ची बस्ती है, बस्ती तो नहीं, यानी कि कुछ कच्चे मकानात हैं। ये भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये बड़े बड़े मकानात यहाँ भी ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी जी गुजार रहा है। इसके बैक में आपको बड़े बड़े घर भी नज़र आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं वापस। बेगम साहिबा ने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हैं। अरे अपने मुंह में जाती नहीं, उसको बाहर डालो। और अब कपड़े सुखाने के लिए बेड पे डाले जा रहे हैं, ड्राई किए हुए हैं। ये पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, यहाँ बाहर डालने का हमारा कोई सिस्टम नहीं है कि हम कहीं बाहर डाल सकें। हमारे जो ऊपर फ्लैट वाले हैं उन्होंने तो फिर भी बाहर, उनके गैलरी है वहाँ, उन्होंने तार लगा के रस्सी बांध कर बाहर वो तो सुखा लेते हैं कपड़े, लेकिन हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो हम लोग इसी तरह ड्राई करके, ये दूसरे कमरा है, यहाँ हम सूखने के लिए ऐसे ही डाल देते हैं।
हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं हमदान साहब? बेगम साहब, मैं आपकी हेल्प कराऊंगी। आगे पीछे करते आप? मैं नहीं हेल्प करता। तो जिंदगी में आज तक मैंने कभी हेल्प नहीं कमाई होगी कभी? तो मैं बोलता रहा हूँ, मैं मदद करो। मैं कपड़े डाल दूँ? कपड़े डल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए सबस कहवा बना सकता हूँ। मेहरबानी होगी, बना दो। अभी बनाऊंगी या कपड़े हो जाए फिर? अच्छा, चलो सही है, ठीक है, कपड़े धुल जाए फिर इंशाल्लाह सब कहवा पिएंगे। क्या कर रहे हैं? वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा बहुत सुगड़ हो गया है। कोई लड़की हो तो तलाश करें इसके लिए जी। क्या मैगी बनानी? तो मेरा बेटा बहुत सुगड़ हो गया है माशाल्लाह, देखें बर्तन भी धो रहा है, बहुत सुगड़ है मेरा बेटा। तो कोई लड़की हो तो काइंडली तलाश कीजिए, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। तो शादी करके पढ़ लेना ना। बाबा जी, अभी बात करने में छोटा। कहाँ छोटे हो यार, बड़े हो गए, देखो इतने बड़े हो गए माशाल्लाह, देखो बर्तन भी धो रहे हो। नहीं, बर्तन धो रहे वो तो छोटे भी धो सकते हैं। छोटे कैसे धो सकते हैं, बड़े धोते हैं। धोते ना जब शक्ति करते हैं। अच्छा, आप कौन शक्ति कर रहे हैं? मैंने शक्ति की है, मामा ने? मामा ने। ओहो जी, मामा शक्ति कर रही है बच्चों पे, बहुत शक्ति कर रही है बच्चों से, बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। गुड गुड, शाबाश शाबाश, धो धो, तुम्हारी मामा कपड़े धो रही हैं, तुम बर्तन धो। मैं ऐसा करता हूँ, अनाया को संभालता हूँ। तो जी, अब हमदान के बाद मोमना बर्तन धो रही है, मांझ रही है, मांझ रही है। अच्छा जी, बर्तन धो रही है, मांझ रही है, एक ही बात है। कोई नहीं, बर्तन मांझ रही है। मैंने सोचा नहीं था अपनी जिंदगी में ऐसा होगा। ओह, और मैं अपने बच्चे को संभाला हुआ है, मेरी बेगम अभी तक कपड़े धो रही है, हमदान साहब अपने लिए मैगी बना रहे हैं। अच्छा जी, आप नहीं खाओगे? मोमना के लिए भी और मेरे लिए भी। तो दोनों के लिए ना? आपने बोला एक के लिए। एक के लिए नहीं, हमदान साहब अपने लिए, इंजन के अपने लिए और हम मोमना के लिए। एक नई मैगी आई है आपके पास, इसका नाम सूप है। इसका भी रख दो, कुछ ठंडा होगा। हमने मैगी पका ली, मैगी पका ली। इसमें क्या पकाना, बस बना ली? पका रही है ना? मैंने बनाई है। किसने बनाई है? मैंने बनाई है। बर्तन किसने धोए? बर्तन कौन बना रहे? बर्तन बनाना है, बर्तन धोते हैं तो कुछ होते हैं ना, ये गंदे बर्तन में बना देते। बर्तन तो मैं ही धो दूंगा। धोए तो है नहीं, पहले ही जाना धो रहा था तो जाना मोमना को बुला लिया तुमने। अच्छा,
फिर कैसा लग रहा है खा के? बहुत ही मजेदार है। ये कि नई मैगी आई है बच्चों की, तो ये फेवरेट होती है। सूप सूप नहीं ये पुरानी है, मैंने अभी मैंने हमने पहली दफा ली है, मैंने पहले ली थी लोग। चलो खुश हो गए? यस। गंदी चीज खा गए? नहीं, गंदी गंदी चीजें खाते हैं। मैंने कहीं से सुना था, मैंने शायद YouTube पे देखा था, प्लास्टिक की बनती है। मुझे क्या? मैं मर गया। प्लास्टिक की खा लोगे? क्या होगा? गंदे बच्चे। प्लास्टिक खाई थोड़ी जाती है। और ये आसानी से मुझे क्या? झूठ बोल रहे कौन? बच्चों के दुश्मन। गंदी चीजों से खाने से मना कर दे, वो दुश्मन होंगे। शुक्र अल्लाह का कपड़े धुल गए। तुमने धोए? लेकिन मैंने अनाया को संभाला हुआ था। काम भी करती हूँ, उसको भी संभालती हूँ, उठा के गोद में उठा के उसको। आज मैं रोटी बनाई। अच्छा जी, मैंने संभाला, आपने कपड़े धो लिए। अच्छा जी, बहुत 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 मेहरबानी। योर वेलकम। खैर जी, तो ऐसे ही होते हैं दोनों मियाँ बीवी का, तो यही होता ना फिर? ऐसे होता क्या? नहीं, अच्छा बताए मुझे। जी ऐसे ही होता है। घर में कोई हो तो आप उनको पढ़ा के बच्चों को, तो फिर इंसान काम करता है। आप किसको पढ़ो? मैं फिर उसको रोने दो। जो बड़े बच्चे हैं ना, ये नहीं उठाते, गंदे बच्चे हैं। इनकी पास इनके पास चुप करती नहीं वैसे भी वो। हीटर लगा हुआ है, कपड़े धो के ठंडा ठंडा होता है। आज के इस ब्लॉग का हम भी एंड करते हैं। आखिर में वही पुरानी बात, नए देखने वाले व्यूअर्स काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल, जरूर जरूर। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बेल का आइकन प्रेस करके उसे ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त और फ्री में मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला, एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।